करो, अगर मार्केट आपको 6 दिन देता है, 1 दिन लेके जाता है, तो भी आपके पास 5 दिन का प्रॉफिट यहाँ पे बचा हुआ है। देखिए, अगर आप बहुत सारे लोग रूल्स का नाम सुन के ही भाग जाते हैं, तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई रूल्स नहीं है, आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, तो मार्केट यहाँ पे कभी आपको पैसा नहीं देगा। तो रूल्स के साथ, ये प्रॉपर रूल्स नहीं है, रूल के साथ एक माइंडसेट, किस तरह का माइंडसेट आपको डेवलप करना है ट्रेडिंग के पहले, वो वीडियो है ये। उसके बाद हम रूल्स की वीडियो डालेंगे, फिर रिस्क मैनेजमेंट की। अब कंटिन्यू वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू आपको आती रहेंगे, बिल्कुल शुरुआत से सारी चीजें स्टार्ट करूंगा, वन बाय वन करके यहां पे सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग यहां पे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, और आपका जो सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में भी मुझे जरूर बताते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक चीज समझ जाइएगा कि स्टॉक्स मार्केट का मतलब या ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट आपने ओपन कर लिया, उसमें आपने 50,000 रुपए डाल दिया और आप ट्रेडर बन गए। ऐसी इस माइंडसेट से आप ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, फिर आप गैम्बलिंग करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो। इससे अच्छा है कि आप ट्रेडिंग ना करो, वो बेहतर चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं 7 ऐसी चीजें आप लोग को आज बताने वाला हूँ, जिसको आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। अगर आप पुराने ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो भी फॉलो करना है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह है। जितने ब्लैंक माइंड के साथ में आप वीडियो को देखेंगे, यानी आपके दिमाग में पहले से कुछ नहीं भरा हुआ है, आप वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और इंप्लीमेंट करने में आसानी होगा। होता क्या है, हम बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं, बहुत सारे हम कोर्सेज कर चुके हैं, बहुत सारी बुकें पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास इतना नॉलेज हो चुका है कि उस नॉलेज को हम इंप्लीमेंट ही यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि चीजों को इंप्लीमेंट करना डिसिप्लिन के साथ में। तो देखिए, मैं यहाँ पे 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका माइंडसेट, आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी वो बिल्ड होगी। जरूरी की पॉइंट है ना, वो यहाँ पे ये है कि माइंडसेट, स्टॉक्स मार्केट माइंड गेम है, यानी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। तो अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करना यहाँ पे हमें सीखना पड़ता है। तो उसके मैं 7 कुछ फीचर्स बताऊंगा, 7 पॉइंट मैं यहाँ पे ऐसे बताने वाला हूँ जिसको आप प्रैक्टिस कर करके आप अपने माइंडसेट पे कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो होगा स्टे न्यूट्रल, यानी मैं मार्केट पे ना बायर हूं, मैं ना सेलर हूं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है स्टे न्यूट्रल, यानी मैं मार्केट को बिल्कुल न्यूट्रल, मैं मार्केट में 0-0 पे आके खड़ा हुआ हूँ, 0 नजरिए से देख रहा हूँ मार्केट पे, मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं बाइंग साइड में बैठा हूँ, ना मैं सेल साइड में बैठा हुआ हूँ। हाँ, मैंने अपने दोनों लेवल निकाल के बैठा हुआ हूँ कि इस प्राइस के ऊपर मार्केट जाएगा तो मैं बायर हूँ और इस प्राइस के नीचे जाएगा तो मैं सेलर हूँ। यहाँ पे देखा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक वन वे व्यू लेके यहाँ पे नहीं बैठ सकते। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी अलग हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि आप यहाँ पे क्लियर कट नहीं बैठ सकते हैं कि मुझे बाइंग ही करना है या मुझे सेल ही करना है। हो सकता है आप बाइंग साइड का व्यू निकाल के बैठे हो और मार्केट अगले दिन 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो शायद जो आपका बाइंग साइड का व्यू है वो स्टॉक शायद आए नहीं बाइंग लेवल में, तो आप सारे दिन बैठे ही रहोगे। तो इसलिए मैं मार्केट पे बोलता हूं कि मार्केट पे आप न्यूट्रल रहिए। ये मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग की, डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं कि डे ट्रेडिंग में हमेशा न्यूट्रल आप ओपन होइए, न्यूट्रल यहां पे आइए और फिर अपने जैसे अपने स्टॉक्स ऊपर या नीचे जिस तरफ से बढ़ते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, फिर उस पर आप डिसाइड कीजिए। अगर पोजिशनल भी यही होता है तो हम क्लियर कट होते हैं कि हमें इस पॉइंट के ऊपर बाइंग करके हमें लेके जाना है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक लेवल तो होता ही है कि हमें इस लेवल के ऊपर ही बाइंग करना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो भी, और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी, तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल रहना है। आपको बाइंग साइड या सेल साइड का व्यू बना के पहले से नहीं बैठना है, निकाल के जरूर रखना है कि ये स्टॉक्स अगर इस प्राइस के ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा, यहाँ से नीचे जाएगा तो आप सेल करेंगे। तो इसके बाद आसानी हो जाती है आपको ट्रेड करने के लिए, आपका ट्रेड बहुत आसानी से आपको मिल जाता है क्योंकि आपके पास दोनों पॉइंट पहले से निकाले हुए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि स्टे न्यूट्रल, आप मार्केट पर न्यूट्रल रहिए। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि डोंट बी अफ्रेड पुट द ट्रेड, आप ट्रेड लेने से पहले डरो मत। देखो, आपको डर कब लगता है, आप एक चीज समझो, आप तभी डरोगे ट्रेड लेने से पहले जब आप ये हैवी क्वांटिटी ले रहे हो, यानी आपकी कैपिटल तो शायद 20,000 की है लेकिन आपने माल वहां पे 40,00,000 का उठाने जा रहे हो, तभी आप डरोगे। तो हमेशा अपनी कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। देखिए, जिस ट्रेड को लेने से पहले आपको डर लगता है वो ट्रेड आपको प्रॉफिट में लेके जाने वाला नहीं है, वो ट्रेड आपका लॉस में ही जाएगा। और अब वो लॉस में क्यों जाएगा और आप क्यों डर रहे हो, आप इसलिए डरते हो कि आप अपनी जो आपकी कैपिटल है, जो हमारी हमारा रिस्क लेने की क्षमता है एक दिन की, हम उससे कहीं ज़्यादा का रिस्क ले रहे हैं, इसलिए हम ट्रेड लेने से डरते हैं। तो हमेशा अपनी रिस्क को समझ करके ट्रेड लीजिए और ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ में लीजिए, पूरी रिसर्च के साथ में जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको ट्रेड लेने से डर नहीं लगेगा क्योंकि आपने
रिसर्च की है। देखिए स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है, ये आते जाते रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सक्सेसफुल होगे कब, तो आपको ट्रेड लेने से डर नहीं लगेगा। तो जो भी ट्रेड लीजिए कॉन्फिडेंस के साथ में लीजिए, अपनी लिमिट के अनुसार ट्रेड लीजिए। आप एक दिन में जितना लॉस ले सकते हैं उस लॉस को डिवाइड करके आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, आंख बंद करके ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके पास 20,000 की कैपिटल है, आपने ट्रेड तो ले लिया 4 लाख का, तो वो ऑटोमेटिक ही डर लगेगा। ऐसे ट्रेड में क्या होता है, आप प्रॉफिट छोटे लोगे और लॉस हमेशा बड़े लोगे। डर वाले ट्रेड में यही होता है कि प्रॉफिट छोटा और लॉस हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि लॉस में आप निकलोगे नहीं, निकलोगे इसलिए नहीं कि आपके पास कैपिटल 20,000 की है, लॉस उसमें 5,000 का दिखा रहा, तो आप वहां से निकल नहीं सकते, आप वेट करते हो, इसके चक्कर में और बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमेशा अपनी कैपिटल को समझ करके रिस्क ट्रेड लीजिए, और ट्रेड लेने से पहले कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड लीजिए, क्योंकि आपने पूरी रिसर्च और पूरी मेहनत उस ट्रेड पे की है, इसलिए डरने की वहां पे जरूरत आपके लिए नहीं है। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि यूज ओनली रिस्क कैपिटल फॉर ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग में वही कैपिटल यूज कीजिए जिस कैपिटल को आप रिस्क ले सकते हैं, जिस कैपिटल में आप रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है और आप 10,000 का रिस्क ले सकते हैं, तो सिर्फ 10,000 ही इसमें डालिए, 1 लाख डालने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, बड़े पैसे से यहाँ पे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको छोटे छोटे पैसे से ही ट्रेडिंग करना है, अपना माइंड सेट बिल्ड करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनानी है, अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है, तो उसके लिए हमें बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती है। ट्रेडिंग हमेशा छोटे अमाउंट से ही की जाती है, तो जिस पैसे का आप रिस्क ले सके वही कैपिटल यहां पे डालिए और उसी पे ट्रेड करेंगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जो कैपिटल डालने के बाद ही आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कैपिटल कभी भी यहां पे आपको पैसा लेके नहीं आएगी, वो आपके पैसे को और तेजी से जाने देगी। दूसरी चीज, हर दिन अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरे पूरी कैपिटल का 2% से ज्यादा का लॉस पर डे नहीं होना चाहिए। स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, ऑप्शन की बात अलग बताऊंगा, और जो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर करते हैं तो उसकी बातें अलग से बताऊंगा। तो पहले मैं डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं यहां पे, तो डे ट्रेडिंग में एक दिन में पूरी कैपिटल का 2% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। देखिए प्रॉफिट हमें 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, लेकिन लॉस हमने डिसाइड करके रखा हुआ है कि 2% से ज्यादा का मैं लॉस नहीं लूंगा। अगर ये लॉस होता है तो टर्मिनल को बंद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका 2.5 से 3% प्रॉफिट हो गया तो भी आप टर्मिनल को बंद करने की कोशिश कीजिए। पूरे दिन यहां पे ट्रेडिंग करने से पैसा बिल्कुल नहीं बनता है। तो हमारे इस तीसरे पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि जितनी आप रिस्क ले सकते हैं वही कैपिटल आप स्टॉक्स मार्केट में या ट्रेडिंग में डालिएगा। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है बी पेशेंस। देखिए आपको यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा, स्टॉक्स मार्केट में धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य दो चीज को लिए जरूर, देखिए धैर्य जो अब तक का आपका बेस्ट इनकम क्या रहा ऑक्टेफिक्स के थ्रू, आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू? एक दिन का सर मेरा 160। देखिए स्टॉक्स मार्केट में आपको धैर्य के साथ में रहना पड़ेगा, धैर्य यहाँ पे बहुत जरूरी है, और दोनों ही चीज़ों के लिए धैर्य जरूरी है। अगर आपके पास ट्रेड नहीं बन रहा, आपके टेक्निक से आपकी स्ट्रेटजी से अगर ट्रेड नहीं बन रहा, तो भी आपको धैर्य के साथ में यहाँ पे बैठे रहना है। देखिए स्टॉक्स मार्केट बैठने का भी नाम है, स्टॉक्स मार्केट इंतजार का नाम है, सही अपॉर्चुनिटी मिले तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, ट्रेड लेने के बाद में भी आपको धैर्य के साथ बैठे रहना पड़ता है। आपकी एनालिसिस परफेक्ट है, आपकी एनालिसिस ठीक है, 10 में से 7 बार 10 में से 8 बार आप राइट ही रहते हो, तो अपनी एनालिसिस पे बिलीव कीजिए और धैर्य के साथ में अपने ट्रेड में बने रहिए। जब आपको टारगेट मिलता है तो वहां पे टारगेट को अचीव होता है, तो टारगेट पे प्रॉफिट भी बुक कीजिए, ज्यादा लालच में यहां पे मत पड़िए। तो धैर्य के साथ अपने ट्रेड को बनने का इंतजार कीजिए। अगर आपका ट्रेड बन गया है तो धैर्य के साथ उस ट्रेड में आप बैठे भी रहिए। स्टॉक्स मार्केट का ये हमारा पांचवा, देखिए इससे क्या होगा, जब कंटिन्यू आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी धीरे धीरे यहाँ पे इंप्रूव होती जाएगी। तो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है लर्न हाउ टू मैनेज योर रिस्क। हमेशा अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। यहाँ पे ट्रेडर करता क्या है, ट्रेडर 4 दिन 5 दिन 6 दिन बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहता है, और 7वें दिन जब वो ट्रेड करता है तो पूरा प्रॉफिट भी देता है और अपनी कैपिटल पे भी डेंट लगा लेता है। यानी अगर उसने मान लीजिए 6 दिन में 6,000 का प्रॉफिट किया, तो वो 6,000 का प्रॉफिट भी एक ही दिन में देगा और ऊपर से 2,000 का लॉस भी ले लेगा। जब आप इस कंडीशन यानी इस तरह के आप ट्रेड लेते हो या इस तरह की आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो जाओ, अगर आपको 6 दिन मार्केट दे रहा, भाई मेरे तो 1 दिन आप मार्केट को दे दो ना, मार्केट को देने में कोई हर्ज नहीं है। ये मान लेने में भलाई है कि ठीक है आज मेरा ट्रेड नहीं चला, आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हो गया और मैं बाहर निकल जाता हूं। आप जब तक आप जबरदस्ती यहां पे ट्रेड करोगे, जब तक आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मैं हर दिन यहां से प्रॉफिट लेके जाऊंगा, आप यहां से प्रॉफिट लेके नहीं जाओगे। मार्केट की रिस्पेक्ट करो, अगर मार्केट आपको 6 दिन देता है 1 दिन लेके जाता है, तो भी आपके पास 5 दिन का प्रॉफिट
यहाँ पे बचा हुआ है। आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ट्रेड करोगे, लेकिन जब आप 6 दिन के प्रॉफिट को एक दिन में ही दे देते हो ना, तो आप यहाँ पे निगेटिव माइंडसेट के साथ ट्रेड करने लगते हो और अपनी जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हो। तब आप प्रॉफिट के लिए कभी ट्रेड नहीं करते हो, सिर्फ आप रिकवर के लिए ट्रेड करते हो और आप लाइफ टाइम सिर्फ रिकवर के लिए ही ट्रेड करते रह जाओगे, कभी आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इसीलिए इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान में रखें, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लें, बिल्कुल अपने जो आपका टर्मिनल है जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं वहाँ पे नोट डाउन करके प्रिंट आउट निकाल के इसको लगा लें। ये चीज़ें आपके माइंडसेट को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगी और आप एक सही ट्रेडर बनने की दिशा में अग्रसर होगे। जो हमारा यहाँ पे छठा पॉइंट है वो है ऑलवेज ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस। आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड लीजिए, डर डर के यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए। अगर आप पहले से ही डरे डरे करके ट्रेड लेते हो ना डर डर के, तो आपके वही चीज़ें वही डर आपके मार्केट पे हावी होता जाता है, आपके दिमाग पे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पे वो बैठ जाता है और आप हर ट्रेड में डरना स्टार्ट करते हो। आपको देखिए डर तब तक नहीं लगना चाहिए जब तक आप कोई गलत ट्रेड नहीं ले रहे हो। अगर आपने सही रिसर्च की है, सही एनालिसिस की है, तो उस ट्रेड में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने ट्रेड को आप पुट कीजिए और स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में बैठे रहिए। अब आप जब रिसर्च नहीं करके बिना रिसर्च के ट्रेड लेते हो ना, तब आपको डरना चाहिए कि हमने कोई रिसर्च की ही नहीं है, ये ट्रेड मुझे नहीं लेना है। तो हमेशा ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ में लीजिए। देखिए मैंने बार-बार बोलता हूं कि स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है, तो आप स्टॉप लॉस से डरिए मत, स्टॉप लॉस को ले लीजिए। अगर मार्केट आपको स्टॉप लॉस करता है तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कीजिए और मार्केट से यहां पे बाहर आ जाइए। हमारा सातवां और अंतिम पॉइंट ये है कि फोकस ऑन स्ट्रेटजी सूट यू। उस स्ट्रेटजी पे आप फोकस करो जो आपको सूट करती है। देखिए हर स्ट्रेटजी सबको सूट नहीं करेगी, हर अलग अलग कंडीशन के ट्रेडर होते हैं। कोई सुबह मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड करता है, कोई आफ्टरनून में अच्छा कोई ट्रेड करेगा, कोई दोपहर में अच्छा ट्रेड करेगा, कोई बैंकिंग स्टॉक्स को अच्छा ट्रेड करता है, कोई ऑटो स्टॉक्स को अच्छा ट्रेड करेगा, किसी की स्ट्रेटजी है। अलग अलग लोगों की अलग अलग माइंड सेट होते हैं, तो उनकी अलग अलग स्ट्रेटजी, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़ेगी कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी सूट करती है। और ये आपको एक या दो दिन की ट्रेडिंग से नहीं जज कर सकते हैं, इसको आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस आपको 4 महीने 6 महीने कम से कम मिनिमम आपको 100 ट्रेड लेने पड़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी आपको सूट कर रही है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो एक दो स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दी है, उस स्ट्रेटजी को आप देखिए कि आपको वो सूट करती है। देखिए एक और दो ट्रेड में अगर आप जज कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, अपने आप के साथ में भी गलत कर रहे हो और ट्रेडिंग स्टाइल भी आपकी जनरेट नहीं होगी। तो कंटिन्यू, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप 2000 रुपये डालो, 3000 रुपये डालो, कंटिन्यू आप 2 महीने 3 महीने ट्रेड लो, कम से कम 100-150 ट्रेड लो, उसके बाद एनालिसिस करो कि कौन सी स्ट्रेटजी में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा या कौन सी स्ट्रेटजी आपकी ज़्यादा टाइम सक्सेसफुल हो रही। आप उस स्ट्रेटजी में और धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करते जाओगे। जैसे मैं बार-बार बोलता हूं ना, ब्रूस ली की तरह बनो, आप 20 जगह पे फोकस करने से अच्छा है किसी एक जगह पे फोकस करो और कंटिन्यू करते जाओ, वो ऑलरेडी उसमें इंप्रूवमेंट आपको आने लगेगी, ऑलरेडी आपको ट्रेड बनने से पहले दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप यहां पे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यहां मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगा। मार्केट आपको क्यों दे? सबसे पहले आप ये डिसाइड करो, ये सोचो कि मार्केट आपको क्यों दे। जिस दिन आपको अपने क्यों का कारण मिल जाएगा, जिस दिन आपको अपने क्यों का जवाब मिल जाएगा ना, आप मार्केट में सक्सेसफुल होना धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दोगे।